उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और SPRLD गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस रुख से सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने दमखम को आजमाने के बजाय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। कांग्रेस ने यह फैसला बीजेपी को हराने और विपक्षी मतों के बिखराव को रोकने के लिए किया है, यानी कांग्रेस इस सीट पर SP और RLD के साझा उम्मीदवार का ही समर्थन करेगी। सियासी जानकार कांग्रेस के इस फैसले को गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार से वो गलती नहीं दोहराना चाहती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।